विधायक गुलाब सिंह यादव की जनता को अपील। मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव ने जनता को संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? दो तीन जानकारी आपको देनी थी और बहुत ही आप जानते हैं परेशानियों से गुजरता हुआ दौर चल रहा है और मटियाला विधानसभा के लिए दो तीन इम्पोर्टेंट जानकारी थी। कई सारे साथी फेसबुक व्हाट्सएप और उसके माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। नंबर एक, हमारे यहाँ पे करीबन 50 राशन की दुकानें हैं और सरकारी राशन जो है वो आज से बंटना शुरू हो गया। कुछ दुकानों पे आज आ गया, कुछ पे कल आ जाएगा और कुछ पे परसों से शुरू हो जाएगा। यानी कि परसों सुबह तक लगभग हमारी सभी दुकानों पर राशन जो है सरकार वो डेढ़ गुना राशन इस बार दे रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि जिन जिनके पास राशन कार्ड है वो राशन लेने के लिए जाएं, और जब राशन लेने के लिए जाएं तो बस एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप भागदौड़ में ऐसा कुछ ना करें, एक दूसरे से टच ना हो और कम से कम 2 मीटर का गैप, कम से कम 2 मीटर का गैप राशन की दुकान पर राशन लेते हुए बनाए रखें। दूर खड़े रहे, राशन सबको मिलेगा और ये मैं इंश्योर कर रहा हूं कि सारी राशन की दुकानें खुलेंगी। और सभी राशन वाले भाइयों से भी निवेदन है कि आप सुबह से लेकर शाम तक रोजाना राशन की दुकान खोलेंगे और सबके साथ शालीनतापूर्वक एक व्यवहार भी करेंगे। दूसरा, किसी को भी अगर राशन की दुकान पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझे प्लीज मैसेज कीजिए, क्योंकि अभी करीबन 1000 से ज्यादा कॉल सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हैं। कोशिश करता हूं अटेंड करने की लेकिन नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैसेज अगर मुझ तक छोड़ दें तो मैं इंश्योर करूंगा राशन की दुकान पर कोई भी समस्या आपको ना आए। नंबर दो, हमारे यहाँ पका हुआ भोजन भी दिल्ली सरकार और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूँ कई सारे एनजीओज का और इस्कॉन टेम्पल द्वारका सेक्टर 12, सबके सहयोग से पका हुआ खाना भी हमारी विधानसभा में करीबन 13-14 लोकेशन ऐसी है, जैसे कि हमारा नंगली सकरावती गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ककरोला गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेक्टर 3 के अंदर हमारा एक स्कूल है, मटियाला में हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, घुमानेड़ा में गवर्नमेंट स्कूल है। तो इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं और कई सारी ऐसी जगह हमने डिसाइड किए जहां पे हम लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बुलाकर वहां पर पका हुआ भोजन देते हैं। और इसके बावजूद भी वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और मजदूर है वहां पे लेबर का काम करते हैं, तो हम पिछले 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं करीबन सारी टीम मिलके और सारे वार्ड अध्यक्ष, कई सारे कार्यकर्ता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप में से भी बहुत सारे लोग, मैंने खुद भी, हम सब लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो कच्चा राशन है, चाहे वो चावल हो, आटा हो, इसके अलावा चाहे वो दाल हो, छोले हो, नमक हो, इस तरह के हमने फूड पैकेट काफी जगह पर भेजने की कोशिश की है लेकिन फिर भी कई जगह पर पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो इस तरह के दहाड़ी मजदूर रहते हैं उनको उस जगह तक लेके आने की कोशिश करें, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां पर जो पका हुआ भोजन दिल्ली सरकार भेज रही है। तो आपसे निवेदन है वहां तक उन लोगों को जरूर भेजें। और इसके साथ साथ में एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो कोरोना है वो बहुत, आप ये मत सोचिएगा, इसको गंभीरता से लीजिएगा। अभी भी मेरे पास फोन आते हैं, फलाने पार्क में लोग ताश खेल रहे हैं, फलाने रोड पे बैठ के लोग ताश खेल रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, बच्चे बाहर पार्क में घूम रहे हैं, आप इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। एक बार आराम से बैठ के गूगल सर्च कीजिएगा इटली में क्या हुआ है, चाइना में क्या हुआ है, और अभी अमेरिका जो सबसे टॉप में पहुंच गया उसमें क्या हुआ है। सबसे जो महत्व है कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और अभी भी काफी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, अगले 15-16 दिन बचे हैं, बस घर में रहिएगा। मुझे मालूम है बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन तमाम समस्याओं का सामना करते हुए भी आपको अब घर में रहना ही होगा। और जो भी आप बाहर से वस्तुएं लेते हैं, चाहे वो सब्जी है, चाहे जो भी चीज है, उनको कोशिश कीजिएगा हैंड ग्लव्स पहन के लें, उनको सीधा धोएं, हैंड ग्लव्स को भी धोएं, और लगभग बाहर की सभी चीजों को, मेरी रिक्वेस्ट है कि हैंड ग्लव्स से ही लें, उसको अपने घर में धोएं, और सब्जियां कम से कम 2-3 घंटे बाद रखने के, 4 घंटे बाद सब्जियों को अच्छे से धो के पकाएं। कुछ एहतियात आपको बहुत बारीकी से बरतने पड़ेंगे, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं लेकिन कई सारे सलाहकारों से और कई सारे एक्सपर्ट से ये बातें हुई, उन्होंने बताया, तो इसका थोड़ा सा आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष तौर पर बुजुर्गों को और बच्चों को बिल्कुल घर में कैद कर दीजिएगा। और आप सब लोग भी घर में बने रहिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।